Yes. Question is this one. 1 ml of methyl acetate was added to a flask containing 20 ml of N by 20 HCl maintained at 25 degrees Celsius. 2 ml of the reaction mixture were withdrawn at different time intervals and titrated with a standard alkali solution. The following results were obtained. तो इसमें आपको टाइम यूनिट में दे रखा है और एल्कली वॉल्यूम यूज कर रखी है. शो दैट द रिएक्शन फॉलोज द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, कि आपका जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है. तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और या फिर डाटा दे दिए जाते हैं, आपसे पूछा जाता है कि भाई कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है. तो आपको यदि के की वैल्यू निकालनी होती है, यदि फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन जो आपका फॉर्मूला होता है के इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 ए नॉट ओवर ए टू, इसे वैल्यू पुट करते हैं. यदि कॉन्स्टेंट आता तो फर्स्ट ऑर्डर होगी, यदि नहीं आता तो दूसरा ऑर्डर हो सकती है. यहाँ पर के जो है आपका रेट कॉन्स्टेंट है, टी टाइम होता है, ए नॉट आपकी इनिशियल कंसेंट्रेशन और AT आपका फाइनल कंसंट्रेशन. ठीक है, तो ये आपका जो रिएक्शन मिक्सचर है इसमें आप एस्टर लेते हैं जैसे मिथाइल एसिटेट, इसका आपने हाइड्रोलिसिस करा HCl सॉल्यूशन की प्रेजेंस में और आपका एसिटिक एसिड प्लस. अब जो एसिड है उसका आपने टाइट्रेशन करी NaOH को वॉल्यूम से. तो ये एक प्रैक्टिकल मेथड है जिसकी मदद से हम लोग जो है सारी कैलकुलेशंस को करते हैं. तो इसमें आपकी दो रिएक्शंस होती है जो टाइट्रेशन की हम लोग कराते हैं एल्कली के साथ. एक में तो आपका ये HCl, ये आपका NaOH के साथ NaCl प्लस वाटर बनाता है. दूसरा आपका एसिटिक एसिड है जो आपका NaOH के साथ क्रिएट करता है और सोडियम एसिटेट और वाटर. तो ये जो आपकी रिएक्शंस हैं उनके बारे में आपको आइडिया हो गया. तो स्टार्टिंग में आपका एसिटिक एसिड कितना होगा, ठीक है, और HCl कितना, मान लो HCl के आपने AMN यूज करे होंगे, ठीक है. तो HCl के जो आपने AMN यूज करे होते हैं तो उसके तहत आपका स्टार्टिंग में इनॉर्मल की रिएक्शन होती है, बस बाकी कुछ होता ही नहीं. और जब आप इन्फिनिटी तक में पहुंच जाते हैं तो आपका जो है एसिटिक एसिड प्लस HCl ये रिएक्ट करता है सारे के साथ, ठीक है. BT पर जो भी आपका पार्ट बना हो वो रिएक्ट करता है. तो आपने जो है ये जो वॉल्यूम है इसको आप वी नॉट का नाम दे सकते हो, इन वॉल्यूम का BT भी कह सकते हो और ये आपका वी, ठीक है. ये हम सिंबल दे देते हैं. अक्सर बुक्स में क्या होता है कि जो ए नॉट अपॉन एटी है उसकी जगह हम लोग डायरेक्टली यूज कर देते हैं वी इंफिनिटी माइनस वी नॉट वी इंफिनिटी माइनस वी. ये जो फार्मूला है हम डायरेक्ट फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन में आपको करते हैं और आंसर निकल आता है. लेकिन इस फार्मूले का बेस क्या है, क्योंकि फार्मूले का बेस यदि हमें नहीं पता चलेगा तो हम जो है उसको कैसे लिखेंगे, वो एक हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा. तो उस प्रॉब्लम से ही समझने के लिए हमें इसका बेस समझना पड़ेगा भाई कैसे क्या होगा. तो स्टार्टिंग में जो आपका AML रिएक्ट कर रहा है वो आपका HCl का वॉल्यूम जो है वो एल्कली वी नॉट के प्रोपोर्शन होगा, यानी आपका फर्स्ट रिलेशन दिया गया A इज प्रोपोर्शनल टू वी नॉट, ठीक है. अब स्टार्टिंग में सारा का सारा यही होगा ए नॉट T बराबर जीरो पर, ठीक है, T बराबर जीरो पे ये सारा ये होगा और एट टाइम T पर ये आपका AT होगा. AT क्या होता है आपका E नॉट माइनस X, ठीक है. तो ये X जो होता है ये क्या होता है, ये आपका एसिटिक एसिड होता है. तो ये X एसिटिक एसिड टाइम T पर NaOH से रिएक्ट करता है, ठीक है. तो जो आपका VT है वो प्रोपोर्शनल है आपके ए प्लस, ठीक है. और
इंफिनिटी टाइम पर जो है आपका इंफिनिटी टाइम पर आपका जो ये पूरा का पूरा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और तो यदि इसके 10 मोल है तो इसके भी 10 मोल बन जाएंगे, इसके 10 मोल आगे आपके 10 मोल एनओ से रिएक्ट करेंगे। तो आपका जो ए नॉट है, तो आपका जो वी इंफिनिटी है ये आपका ए नॉट प्लस ए के प्रोपोर्शनल। तो क्योंकि आपका जो मान लो इसके आपके ए मोल्स है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो जाए, तो यहाँ पे इसके ए मोल्स बनेंगे, इसके ए मोल्स, इसके ए मोल्स से रिएक्ट करके ये बनाएंगे, तो ये जो है आपकी इंफिनिटी पर मान लेते हैं इसकी पूरी क्वांटिटी इसमें कन्वर्ट, ठीक है, जितनी और वो सारी एक्सियल से रिएक्ट कर जाएगी, क्योंकि आपका जितना भी एसिटिक एसिड बन रहा हो लगातार कंज्यूम होता जा रहा है, तो वी इंफिनिटी पे हम लोग ये कंडीशन मान लेते हैं। तो ये आपकी तीन इक्वेशन है, तो आपका फिर ए नॉट किसके प्रोपोर्शनल में हो जाएगा, नॉन इक्वेशन को माइनस कर दें, तो ए नॉट इज प्रोपोर्शनल टू वी इंफिनिटी माइनस डी नॉट हो जाएगा आपका, और ए टी इज प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल किसके होगा, ए टी क्या है आपका ए नॉट माइनस एक्स, तो ए नॉट किसके प्रोपोर्शनल था, वी इंफिनिटी माइनस आपका वी जीरो, और आपका जो x है ये x को यदि प्रोपोर्शनलिटी में निकालना चाहे तो x इज प्रोपोर्शनल टू वी टी माइनस वी नॉट, ये आपका एक रिलेशन ऑफ वी है, यहाँ पर आपने ये इसको रख दिया माइनस वी टी माइनस वी जीरो, तो वी नॉट से वी नॉट कैंसिल हो गया, तो ए टी इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया आपका वी इंफिनिटी माइनस वी टी। ये वैल्यूज जो है फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन के फॉर्मूले में रख देते हैं, लॉग ए नॉट ओवर ए टी की जगह क्या रख दिया हमने वी इंफिनिटी माइनस वी जीरो अपॉन वी इंफिनिटी माइनस वी, ये जो है वैल्यू इस वैल्यू को फटा, ठीक है, ये फार्मूला डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। तो जैसे आपने इस फार्मूले में यूज करा तो आपका के निकाल लेगा इससे कितना 2.303, ठीक है, टी कितना आपका मान लो 75 मिनट्स लिया, लॉग ए नॉट कितना हो जाएगा आपका 42.03 माइनस 19.24 डिवाइडेड बाय 42.03 माइनस 24.20, जिसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.00327 पर। तो इस तरीके के क्वेश्चन इस मेथड पर एस्टर हाइड्रोलिसिस पर बनते हैं। तो इसके लिए आप ये बेसिक प्रिंसिपल ये जो पॉइंट्स है इनको अच्छे तरीके से ध्यान समझ लीजिएगा कि इनमें आपस में किस तरीके से प्रोपोर्शनैलिटी के रिलेशनशिप बनते हैं, ठीक है ना, और एक बार आप रिलेशन समझ लेंगे तो आपके लिए कभी भी डेरिवेशन करना मुश्किल नहीं रहेगा और क्वेश्चन आप बिल्कुल इजीली हैंडल कर लेंगे आईआईटी के जो आते हैं लास्ट ईयर्स के।